पिछले कुछ दिनों से श्री राम सेना के जिम्मेदार बीदर डिस्ट्रिक्ट बसवा कल्याण में मौजूद पीर पाशा दरगाह को अनुभव मंडप होने का दावा कर रहे हैं। जेडीएस कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जनाब नासिर हुसैन उस्ताद ने बसवा कल्याण में चल रही हलचल को देख कहा, श्री राम सेना से प्रमोद मुतालिक और आंदोलन स्वामी जैसे लोग जानबूझकर बीजेपी के सपोर्ट से ऐसे इश्यूज क्रिएट कर मजहब के दरमियान जहर घोलने का काम कर रहे हैं। नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा, यह प्रमोद मुतालिक और आंदोलन स्वामी ने कभी बसवन्ना की फिलॉसफी को पढ़ा ही नहीं है। अगर पढ़ते तो कभी हिंदू मुस्लिम के बीच जहर घोलने का काम नहीं करते। बसवन्ना ने अपनी पूरी ज़िंदगी भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम दिया है। वो हर मज़हब के लोगों को साथ लेकर चलते थे और ये श्री राम सेना के लोग अनुभव मंडप के नाम पर हिंदू मुस्लिम के दरमियान जहर घुलने का काम कर रहे हैं। नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा, यह अनुभव मंडप उस दौर का पार्लियामेंट हुआ करता था जहां हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर बैठा करते थे। मजहब के बीच जहर घोलने वाले प्रमोद मुतालिक और आंदोलन स्वामी जैसे लोगों की ज़ुबान से बसवन्ना का नाम शोभा नहीं देता। हर आए दिन कर्नाटका स्टेट में श्री राम सेना के लोग अजान, हनुमान चालीसा, मस्जिद, मंदिर, हिजाब जैसे इश्यूज क्रिएट कर माहौल ख़राब कर रहे हैं। बीजेपी को चाहिए ऐसे संगठनों को सपोर्ट ना करें, वरना स्टेट का माहौल ख़राब हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट के रोकने के बावजूद हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर ये लोग कल यानी 12 तारीख को बसवा कल्याण में संत सम्मेलन प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं। इस प्रोग्राम के जरिए पीर पाशा दरगाह और अनुभव मंडप के नाम पर जहर घोलने का काम किया जाएगा। नासिर हुसैन उस्ताद ने बसवा कल्याण के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट से माहौल ख़राब होने से रोकने की गुजारिश की है। आज कर्नाटका के अंदर श्री राम सेना जो मुसलसिल इस समाज में इंतजार पैदा करने की कोशिश कर रही है, आज बसवा कल्याण पीर पाशा दरगाह के ताल्लुक से वहाँ पर अनुभव मंडप है इसका दावा कर रही है। मैं साफ तौर पर हमारे जो ये श्री राम सेना का चीफ है प्रमोद मुतालिक और उनके साथियों को मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि 12वीं सदी के अन्ना बसवन्ना की जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी इक्वालिटी को प्रीच करती थी और अनुभव मंडप जो सबसे पहला पार्लियामेंट जिसे कहा जाता है, तमाम मज़हब के लोग उस पार्लियामेंट में शामिल हुआ करते थे। आज श्रीराम सेना और प्रमोद मुतालिक जो अपने आप को हिंदू कहता है, उसको कोई मॉरल राइट नहीं है, उसका कोई बसवन्ना का उसके ज़बान पे नाम लेना बसवन्ना की तौहीन करना है, क्योंकि बसवन्ना के खिलाफ, बसवन्ना के आइडियोलॉजी के खिलाफ, अनुभव मंडप के इस आइडियोलॉजी के खिलाफ उसकी पूरी ज़िंदगी की कार्रवाई चलते रही है। आज समाज में अनुभव मंडप के नाम पर, बसवन्ना के नाम पर मुसलमानों को, वीर शैव समाज के लोगों को लड़ाने की ये कोशिश नाकामयाब होगी। ऐसे चाल जो है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और ऐसे हरकतों से वो बास आए और भारतीय जनता पार्टी जो कर्नाटका में हुकूमत है, ज़रूरत से ज़्यादा इनको सलक दे चुकी है। इससे पहले भी जिस तरीके से अजान के मामले के अंदर वो लोग अपने आप को बहुत बड़े शूरवीर की तरह जो है चैलेंज करते आए थे, मैं वहाँ पर भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि प्रमोद मुतालिक जैसे लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में, कर्नाटका में अमन, भाईचारगी, शांति अगर चाहते हैं तो ऐसे लोगों को बूट से मार करके उनको जेल में भेजना चाहिए। सर, इससे पहले भी आलंद में भी इस तरह से लोगों ने सिविलिंग होने का दावा कर वहाँ पर भी ये लोग जो है ना स्टेटमेंट देकर वहाँ पर पदयात्रा रैली की बात की थी। अब आलंद में भी जिस तरह से आप देखिए माहौल ख़राब हुआ, कई मुस्लिम वहाँ पर जेल में चले गए, यही लोग उसके जिम्मेदार बताए जाते हैं। तो बसवा कल्याण में भी ये जो नैरेटिव क्रिएट हो रहा है, क्या वहाँ पर भी हालात ख़राब होने के खतरा नज़र आ रहे हैं? नहीं, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर कर्नाटका के अंदर ये श्री राम सेना भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत के भरोसे, उसके दमखम पर आज समाज में इंतजार पैदा करने की, हिंदू मुसलमानों को दूर करने की कोशिश करते आ रही है। उनका एजेंडा अगर वाकई में, अगर वो अपने आप को अनुभव मंडप के लिए और बसवन्ना की फिलॉसफी को अगर समझना है, तो पहले बसवन्ना की फिलॉसफी को पढ़े। अगर बसवन्ना के फिलॉसफी को पढ़ते हैं, बसवन्ना ने कहा कि ये वनारवाई 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 दिन सही है, मतलब
ये कौन है मध्य को, ये अपना है, एवं नम्मा एवं नम्मा अम्मा एवं नम्मा मने मगरंजन से या कूड़ल संगम देवा। मतलब क्या है, किसी को पराया मत समझो, सबको अपना समझो, ये फिलॉसफी बसवाणा ने प्रीच की है। और ये लोग समाज में, ये हमारा नहीं है, ये उसका है, उसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, ये जो कॉन्सेप्ट है टोटल बसवाणा की फिलॉसफी के अनुभव मंडप के कॉन्सेप्ट के खिलाफ इनकी सोच है। ये लोग इस समाज को बहुत बड़ा योगदान करेंगे अगर ये बसवाणा की फिलॉसफी को समझकर, अल्लम प्रभु की फिलॉसफी को समझकर, जो शरणास्थ है शरणा की फिलॉसफी को समझकर, ये लोग अगर अपने आप के जो मठाधीश जो खावी कपड़े पहन रहे हैं या अपने मठ के अंदर बसवाणा की फिलॉसफी अगर फैलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि पूरे कर्नाटका उनका जो है शुक्रिया अदा करेगा। मगर वो छोड़ दिए हैं, आज बसवाणा का नाम और इसका नाम जो है लेकर के समाज में इंतजार पैदा कर रहे हैं। आलंद के मामले के अंदर आपने जो सवाल पूछा, आलंद के अंदर भी यही हुआ, मगर आलंद के अंदर सिर्फ ये लोग जिम्मेदार नहीं थे, आलंद के अंदर उसके अंदर बहुत सारे लोग जिम्मेदार थे। मैं समझता हूँ आवाम के बीच में वो सारी चीज़ें आ गई हैं। आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, बीदर के एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस महकमे से मैं गुजारिश करता हूँ कि बसव कल्याण बसवाणा का शहर है और बसवाणा का लाइफ और उनकी प्रीचिंग्स तमाम मज़हब के लोगों को एक साथ ले जाने के समाज के अंदर एक बॉन्डिंग बनाने के लिए, कम्युनल हारमोनी देने का एक मुकाम है। वहाँ पर ऐसे इंतशार पसंद ऑर्गेनाइजेशंस को वहाँ पर फैलाने नहीं देना चाहिए, वरना एक गलत प्रेसिडेंट हो जाएगा।